लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। यह खबर है यूपी के फिरोजाबाद से। जी हां, बड़ी लापरवाही आई सामने। मेडिकल कॉलेज के सरकारी ट्रामा सेंटर के दवाई स्टोर रूम में कुत्ते के पिल्ले ने बना रखा है अपना आशियाना। जी हां, मरीजों को चढ़ने वाली बोतलों के पास पिल्ला बैठा हुआ है। गार्ड और स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से उसे निकाला। फिरोजाबाद का सरकारी मेडिकल कॉलेज अपनी लापरवाही के चलते हमेशा चर्चा में रहता है। आज फिर सरकारी ट्रामा सेंटर के दवाई स्टोर रूम में कुत्ते के पिल्ले ने बनाया अपना आशियाना। कुत्ते का पिल्ला चढ़ने वाली बोतलों के पास आराम से बैठकर आराम फरमा रहा था, लेकिन उस पर किसकी भी नजर नहीं थी। जब मीडिया ने देखा तब ट्रामा सेंटर के गार्ड और कर्मचारी सक्रिय हुए। अभी कोरोना काल चल रहा है और इतनी लापरवाही कि मरीजों की दवाइयों के पास कुत्ते के पिल्ले अपने आशियाना बना रहे हैं, यह कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इस खबर पर थोड़ी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉइस टीवी के संवाददाता शेखर यादव। जी शेखर, किस तरीके की लापरवाही आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली? कोमल जी, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि ये पूरा मामला मेडिकल कॉलेज का है। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में जो दवाइयों का स्टोर है वहाँ पे डॉग का पिल्ला, जहाँ पे मरीजों पे जो बोतल लगती है वहाँ पे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में, जो ट्रॉमा सेंटर का जो गार्ड है, जो पिल्ला बैठा हुआ है उसे भगाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इससे कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों के पास जानवर अपना आशियाना बना रहे हैं, तो किस तरीके से वहाँ के स्टाफ की प्रतिक्रिया रहती है, जरा बताएं। जी, अभी इस मामले पे कोई भी बड़ा अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी, मतलब किसी तरीके की कोई कार्यवाही आपको देखने को नहीं मिल रही है? जी, अभी कोई तैयार नहीं है इस मामले पे कोई बोलने के लिए, हमने बात की है। जी शेखर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शेखर यादव, हमारे संवाददाता, जिन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थिति को बयां किया कि किस तरीके से जो मरीजों को दवाइयां दी जाती हैं उसके पास जानवर अपने आशियाना बना रहे हैं, जानवर रहते हैं वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर यादव जुड़ने के लिए हमारे साथ। आप देखते रहिए वॉइस टीवी खबर सबसे तेज और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, दीजिए इजाजत।